सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से, मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अंतर्गत विभिन्न भारतीय चित्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्व के भाग में हमने मकबूल फिदा हुसैन का अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने हुसैन के जन्म, उनकी शिक्षा, उनकी कला साधना के बारे में जाना। इसी के साथ इनकी कला की शैली की जो विशेषताएं हैं उसका भी हमने अध्ययन किया। इनके जो महत्वपूर्ण चित्रों के विषय है उनका भी हमने अध्ययन किया। ये भारतीय नारी के विविध रूपों का अंकन करते थे, अनावर्ताओं का अंकन करते थे, व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, रागिनी, रामायण, महाभारत, भारतीय देवी देवताओं के चित्र, मदर टेरेसा के चित्र इन्होंने निर्मित किए। इसी के साथ ही इनकी जो प्रसिद्ध चित्र और शीर्षक जो प्रदर्शनियां हैं उनका भी हमने अध्ययन किया है। और इनके जो प्रसिद्ध चित्र है जमीन, उसका भी हमने अध्ययन किया। इसके बाद जो चित्र संग्रहालय है, जैसे लैंप है, मकड़ी, घोड़े, जमीन और इस प्रकार से अंतिम भोज, और ऐसे ही चित्र संग्रहालयों का हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे इनके द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का। सन 1950 ईस्वी में एमएफ हुसैन ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी की। एकल प्रदर्शनी के अंदर केवल एक ही चित्रकार की विभिन्न कलाकृतियां लगाई जाती है, इसमें दो या तीन कलाकार शामिल नहीं होते। दो तीन कलाकार शामिल होते हैं तो वो ग्रुप एग्जीबिशन होती है। और उसके बाद में 1953 ईस्वी में यूरोप भ्रमण करके भारत आने पर 1955 ईस्वी की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला अकादमी का उन्होंने प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया। उसके बाद ही दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर, ज्यूरिख, टोक्यो, रोम, काबुल, न्यूयॉर्क, पोलैंड, जिनेवा, पेरिस, मास्को, लंदन इत्यादि अनेक स्थानों पर एकल प्रदर्शनियों के साथ समूह प्रदर्शनियों में भी इन्होंने भाग लिया। मतलब देश विदेश में इन्होंने प्रदर्शनियां आयोजित की और ख्याति प्राप्त की, पुरस्कार भी प्राप्त किए। सन 1971 ईस्वी में ही पिकासो, एक जो महत्वपूर्ण एक चित्रकार है, उसके साथ में चित्रों की प्रदर्शनी में इनको विशिष्ट रूप से आमंत्रित किया गया और चित्र प्रदर्शित किए गए। मतलब इन्होंने 1971 में पिकासो के साथ में चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई। अब हम बात करेंगे हुसैन को प्राप्त होने वाले पुरस्कार एवं सम्मान की। एक पुरस्कार की मैं बात कर चुका हूं जो 1955 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा इनको प्राप्त हुआ था। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई, जो कला जगत में तीसरे नंबर की उपाधि होती है, और दूसरे नंबर की उपाधि है पद्म भूषण, और सबसे श्रेष्ठ जो उपाधि होती है वो होती है पद्म विभूषण। तो इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों ही जो सम्मान है, उपाधियां है, वो प्राप्त हुई थी। मैसूर तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनको डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त हुई। इस प्रकार से इनको जो भारतीय कला जगत की श्रेष्ठ उपाधियां है, जो पुरस्कार और जो सम्मान है, वो प्राप्त हुए। अब बात करेंगे
इनको कला जगत में मिलने वाली आलोचनाओं की। हुसैन के चित्रों पर आरोप लगाया जाता है कि वे जो चित्र बनाते हैं वो पोस्टर क्वालिटी के हैं, जैसे कोई पोस्टर होते हैं ऐसे इनके चित्र होते हैं। इसी के साथ ही इन्होंने एक चित्र बनाया था सरस्वती नाम का, वो समाज द्वारा इस चित्र का काफ़ी विरोध किया गया। लोगों का मानना है कि वे हमेशा चर्चा में रहने और राजनेताओं और उद्योगपतियों के ध्यानाकर्षण के लिए ऐसा करते हैं। इस प्रकार उन्हें कई विवादों का सामना भी करना पड़ा था। अब हम बात करते हैं फिल्मों के निर्माण की। जब वो फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते थे तो उनका व्यवहार भी बढ़ा फिल्म जगत में, तो इन्होंने फिल्मों के निर्माण का कार्य भी किया। सन 1982 ईस्वी तक हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण कर लिया था और इनके द्वारा निर्देशित फिल्म थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी। मतलब इन्होंने 1982 तक 12 फिल्में बना ली और एक फिल्म जो जिसका नाम है थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर, जिसके अंदर राजस्थानी जीवन को इन्होंने दिखाया है। और इस फिल्म पर उन्हें बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये प्रसिद्ध फिल्म है जिसके ऊपर इनको गोल्डन बियर पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके चित्र देश और विदेश के सरकारी और गैर सरकारी और संग्रहालयों में संग्रहित है, वहां पर आप इनके चित्र देख सकते हैं। वस्तुतः हुसैन ने यथार्थ और अमूर्तन को अत्यंत आकर्षक तरीके से संश्लेषित किया है और हुसैन की कला उन सभी जटिल परिवर्तनों की प्रतिनिधित्व करती है जो पिछले 50 वर्षों की चाकसुक कलाओं में गठित हुए। यथार्थवादी चित्रांकन से लेकर 19वीं शताब्दी की ब्रिटिश अकादमिक परंपरा से प्रभावित शैली के जारी रहने तथा रूपाकार के मामले में आधुनिक युग के विरूपण को अपनाने तक ये अनिवार्यतः घनवादी और अमूर्त शैलियों या फिर इन दोनों के मिश्रित प्रभाव कहे जा सकते हैं। और सन 1911 के अंत तक इनका निधन हो गया, जो कला जगत को एक अपूर्णीय क्षति हुई इनके द्वारा। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्रों को हम देख सकते हैं जिसमें हमें इनकी कला शैली का अनुमान लग जाएगा। किस प्रकार से वो सशक्त रेखांकन करते थे, घोड़े इनके प्रिय थे, घोड़ों को इन्होंने अपने चित्रों में प्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त किया है। और मैंने जैसे बताया था इनके जो घोड़े हैं वो जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष है, इनमें एक गति है, ऊर्जा है, और ये गति और ऊर्जा के रहस्यमय प्रतीक के रूप में इन्होंने घोड़े चित्रित किए। आप देख सकते हो किस प्रकार से इन्होंने तीव्र और उष्ण रंगों का प्रयोग इन घोड़ों में किया है, ये एक तरह से इनकी अभिव्यंजना का प्रतीक है। देवी देवताओं के चित्रों में दुर्गा का चित्र इन्होंने निर्मित किया, ये श्रृंगार के रूप में चित्रित है जो अपने वाहन पर विराजमान है, सिंह पर। यह चित्र है लेडी विद वीणा, महिला का चित्र, जैसे मैंने बताया था यह महिलाओं के चित्र अधिक बनाते थे। महिला के हाथ में वीणा है, सशक्त और तीव्र रेखांकन का प्रयोग है, अभिव्यंजनात्मक और मोटे रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। इसी प्रकार से मदर टेरेसा चित्रों की श्रृंखला भी इन्होंने बनाई थी, और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो चित्र श्रृंखला है ये प्रेम और आशा के प्रतीक के रूप में चित्रित किए गए हैं। यहाँ पर मदर टेरेसा को दिखाया गया है, आप देख सकते हो बीच में मदर टेरेसा का जो कुछ भाग है वो काले रंग द्वारा और उसके बीच में एक
बच्चा चित्रित है, एक गोद में भी एक आकृति ली हुई है जिसको संभालते हुए मदर टेरेसा है, आशीर्वाद की मुद्रा में है। तो मतलब यह प्रेम और एक तरह से आशा के प्रतीक के रूप में इस चित्र श्रृंखला को इन्होंने चित्रित किया है। मदर इंडिया नामक आप चित्र देख सकते हो, इसमें एक महिला की आकृति को बनाया है और साथ में जो ध्यान लगाते हुए पुरुष की आकृति है, सूर्य का चित्र इसमें बनाया गया है, महात्मा गांधी को भी इसमें दिखाया गया है। पूरी तरह से एक तरह से इंडिया के नैसर्गिक सौंदर्य और इसमें जो इंडिया जो भारत है उसके कुछ प्रतीकात्मक रूपों को इसमें लिया है, जीवन शैली को इसमें लिया है जो भारत की पहचान बताते हैं। इसमें जो चक्र बीच में लिया है सारनाथ के सिंह स्तंभ के जो के ऊपर जो चक्र था उसको इसमें लिया है। गणेशा का चित्र इन्होंने देवी देवताओं के चित्रों में निर्मित किया है। इसी प्रकार से जैसा कि मैंने बताया था कि ये माधुरी दीक्षित की बहुत ही ज़्यादा फिल्में देखा करते थे और माधुरी दीक्षित पर इन्होंने अनेक चित्र इन्होंने बनाए, पोस्टर भी बनाए, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो हुसैन है उनकी चित्र शैली और उनकी विशेषताओं को भी हमने जाना। इस प्रकार से हुसैन कला जगत में एक महान कलाकार के रूप में रहे हैं, इन्होंने काम भी किया है और इनके बिना कला जगत में एक बहुत ही गहरी क्षति हुई है। धन्यवाद।